एक्टर की 25 दिनों की गुमनामी की कहानी। पुलिस वालों के साथ हंसती हुई तस्वीर ने खोले बड़े राज। पुलिस रही नाकाम, एक्टर लौटा घर। ये कहानी है 25 दिनों की गुमशुदगी के बाद आखिरकार अपने घर लौट आए एक्टर गुरुचरण सिंह की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से फेमस हुआ ये एक्टर करीब 3 हफ्ते तक अपने घर से गायब था और इंडिया के किसी कोने में धार्मिक यात्रा पर था। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि गुरुचरण सिंह ने घर वापसी के बाद किया है। अब ये तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है जो बताती है कि 25 दिनों तक गुरुचरण सिंह किस हाल में थे, क्योंकि पहले वाली जो तस्वीरें हैं उसमें गुरुचरण सिंह बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें गुरुचरण सिंह सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। साथ ही गुरुचरण इस दौरान पुलिस वाले के साथ खड़े हैं और मुस्कुराते हुए फोटो क्लिक करवा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुचरण सिंह की घर वापसी के बाद पुलिस उनके घर पहुंची थी। इसके बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। तो वहीं गुरुचरण की वापसी पर उनकी को स्टार रही जेनिफर ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि गुरुचरण वापस आ जाएंगे। इस दौरान जेनिफर ने गुरुचरण को नसीहत भी दी और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पेरेंट्स को बताकर जाना चाहिए था। इसके बाद जेनिफर ने गुरुचरण को सपोर्ट किया और कहा कि मैं समझ सकती हूं कि कोई भी ऐसा फील कर सकता है। मैं भी अध्यात्म पर भरोसा रखती हूं। जब आपको अध्यात्म बुलाता है तो आपको कुछ भी नहीं सूझता, आप दुनियादारी छोड़कर निकल पड़ते हो। लेकिन मुझे लगता है कि गुरुचरण को अपने पिता को बताकर जाना चाहिए था। मैं भी उन्हें कॉल करूंगी एक बार वो सेटल हो जाए। आपको बता दें कि आज से करीब 25 दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल को गुरुचरण अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकले थे, लेकिन ना तो वो मुंबई पहुंचे और ना ही कॉल करके अपने घर वालों को ये जानकारी दी कि वो कहां पर है। इसके बाद उनके पिता ने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी काफी जांच की लेकिन गुरुचरण के बारे में कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर पाई। आखिरकार गुरुचरण खुद ही अपने घर वापस लौट आए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगभग 3 हफ्ते से लापता गुरुचरण खुद ही घर वापस आए हैं। उन्हें पुलिस ढूंढने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पर।